हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्नाइपर इलाइट 4 को ट्राई करेंगे रियलमी X7 मैक्स के साथ। सो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में काफ़ी ग्लिच सा हो रहा है। न्यू गेम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, इस डिवाइस में आप परफॉर्मेंस मोड को ऑन ना करें। स्टार्टिंग में गेम ठीक से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद परफॉर्मेंस मोड ऑन करना, अदरवाइज गेम क्रैश हो जाएगी। क्लिप काफ़ी स्मूथ आ रही है, बीच बीच में कभी कभार लैग हो रहा है। रैम तकरीबन 1.3 GB यूज़ हो रही है फिलहाल। सो यहाँ पर ये गेम स्टार्ट हो गई है। ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं इस गेम के, स्नाइपर इलाइट 4। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे प्लेबल है, पर यहाँ पर क्लोज रेंज टेक्सचर है। अगर आप लॉन्ग रेंज टेक्सचर लोड करने की कोशिश करोगे तो फ्रेम ड्रॉप ज़्यादा होगा। फिलहाल स्मूथ है। इसमें रैम ठीक से यूज नहीं हो रही है इस गेम में, क्योंकि ये ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। मैंने कंट्रोल चेंज कर रखे हैं इसके गेम पैड के हिसाब से। ये एक्स है पर मैंने इसको एक्स किया है, ये वाई है, ये ए और ये बी का रखा है, तो मेरे कंट्रोल थोड़े से अपोजिट मिलेंगे जो इसके डिफॉल्ट हैं उसके मुकाबले। इसमें स्लो मोशन में दिखाता है गोली। 14-15 FPS है जो ये एनिमेशन था उसमें। ये स्लो मोशन में तब दिखाता जब कोई स्पेशल इफेक्ट हो, या तो आप हेड्स मारोगे या फिर हार्ट के पास मारोगे। तो यहाँ पर ग्राफिक काफ़ी बढ़िया है और स्मूथ चल रहा है। लॉन्ग रेंज टेक्सचर में काफ़ी दिक्कत करेगा, पर ये करंट में है, फ्यूचर में और बढ़िया चलेगा। मोस्टली बजट पीसी इस गेम को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आजकल स्मार्टफोन गेमिंग काफ़ी हाई लेवल पर जा चुकी है, पर फिलहाल ये भी परफेक्ट नहीं चला पाएगा। यहाँ पर क्लोज रेंज टेक्सचर है तो यहाँ पर इजीली लोड कर लेगा, पर लॉन्ग रेंज में दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें एक तो माली जीपीयू है, ऊपर से इसके लिए ऑप्टिमाइज भी नहीं है ठीक से एमुलेटर। रास्ता किधर है? माली जीपीयू में अच्छी ऐसी इस तरह की गेम अच्छी इसलिए नहीं चलती है क्योंकि इनके शेडर कोर कम होते हैं, तो यहाँ पर आपको शेडिंग बार बार दिखाई देगा। अभी तक क्लोज रेंज था, अभी लॉन्ग रेंज यहाँ पर आपको दिखेगी, तो लॉन्ग रेंज में दिक्कत होने वाली है। देखना फ्रेम ड्रॉप होगा अब काफ़ी ज़्यादा, 18 FPS हो गए हैं क्योंकि लॉन्ग रेंज है। अभी देखो इधर क्लोज रेंज में 30 हो गए हैं, स्काई में भी 30 रहेंगे। लॉन्ग रेंज में दिक्कत करेगा क्योंकि शेडर कोर कम है, यहाँ पर बार बार शेडर कंपाइल होंगे क्योंकि इस जीपीयू में शेडर कम है, पर इनसे भी काम चल जाएगा अगर एमुलेटर को ठीक से ऑप्टिमाइज किया जाए।
मेरे को लगा मैंने दूरबीन खो रखी है। एक और आ गया, बच गया भाई। दिख गया हूं मैं। एक और गया, दो कैसे मरे? काफी ज्यादा लैग कर रहा है, ब्लास्ट कर देते हैं। वो बच गया फिर भी। भाई रिकॉइल, कितनी रिकॉइल है इसकी गन में? मिस तो नहीं होना चाहिए था ये। कवर में शायद वो, पैदल चलना पड़ेगा। ओ भाई, और गिर गया। वेपन वेपन वेपन, नाइनटीन FPS हुआ था। कैमरा एकदम से घूम जा रहा है क्योंकि फ्रेम ड्रॉप ज्यादा हो रहा है एकदम से। काफी दूर तक के टेक्सचर रेंडर करने में दिक्कत आ रही है, जैसे यहाँ पर बहुत दूर तक लोड है। ये काफी मस्त लगता है इसमें, जब कोई खतरनाक सा शॉट मारोगे तभी ये ऐसा होगा। इसमें अगर आप एक बार स्पॉट हो गए ना इस गेम में, तो काफी हार्ड हो जाएगा। और जब इस तरह का फ्रेम ड्रॉप हो तो वैसे भी हार्ड हो जाएगा। ट्वेल्व FPS है, 16 यहाँ पर फिर भी थोड़ा ठीक है इसके अंदर, क्योंकि इस तरफ मैं कैमरा एंगल करूँगा तो ज़्यादा रेंज लोड नहीं करनी पड़ रही है।
FPS है क्लोज रेंज, और लॉन्ग रेंज टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप है। ऐसा है कि जैसे प्लेबल नहीं है भाई। अपनी थॉमसन ही बढ़िया। कवर में हो शायद। ट्वेल्व FPS है यहाँ पर, 9। पीछे कोई है? किधर है भाई? रिकॉइल कितनी आई रिकॉइल है इसमें? स्नाइपर मार रहा कोई क्लोज से ही। दिख नहीं रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा फ्रेम्स की फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। इधर भाग ही लेते हैं इधर से। थर्टीन FPS अंदर नहीं जा सकते हम। गेम क्रैश हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑफ करना पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस मोड के साथ क्रैश इशू हो रहा है। अभी फिर से मैंने हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन किया है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस मोड के साथ फिर भी ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि खेला जा सकता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है। एनालॉग की पोजीशन बहुत खराब है। बहुत हार्ड है इससे खेलना, गेम पैड से एम नहीं लगता इतनी आसानी से, खासकर जब गेम लैग कर रही हो। यहाँ पर फिर से स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज रेंज टेक्सचर है। लॉन्ग रेंज में फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। वेपन चेंज करना पड़ेगा। एक मैगजीन भी एमओ नहीं है मेरे पास। यहाँ पर क्लोज रेंज टेक्सचर है, क्लोज रेंज टेक्सचर में गेम एकदम स्मूथ चल रही है। मेन दिक्कत है लॉन्ग रेंज की। मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए इधर उधर भगा रहा हूँ इसको, मिशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। साइड एनिमी है। ईयरफोन नहीं लगा रखे मैंने, तो एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पर है। पानी में थोड़ा सा ही पानी है इधर। पानी के टेक्सचर में भी रेंडर ज़्यादा हो रहा है, हल्की फुल्की ग्लिच भी है कभी कभार हो रही है। यहाँ पर फिर से थोड़ी सी लॉन्ग रेंज रेंडर है, तो
तो देखो काफी फ्रेम ड्रॉप हो रहा है इधर, 18 FPS हो गया है। इसको दिख नहीं रहा हूं क्या मैं? पता नहीं कौन गोली चला रहा था मेरे पे। क्या करने लग गया, बैंडेज मार रहा। यहाँ पर काफी ज्यादा फिर से फ्रेम रुक है। इस एमुलेटर में ग्राफिक रिजोल्यूशन वगैरह कम करने का ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती। रिकॉइल कंट्रोल नहीं हो रही है भाई, एनालॉग की सेंसिटिविटी मैंने वैसे डिफॉल्ट रखी है, मतलब चेंज नहीं कर रखी है, थोड़ी सी कम कर दूँगा तो हो जाएगी। फिर बस मेरे को नीचे को रखना है थोड़ा सा। अब क्या है कि एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है। सामने बैठा है एकदम, तो अभी बताता हूँ। और कोई भी है क्या वहाँ? एक उधर भी है। कैसे बचा भाई? घास के पीछे ही तो बैठा था। बच्चा कैसे ये? काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है बार बार। मिशन अबॉर्ट, भागना पड़ेगा, सारे पीछे पड़ गए हैं। बंदे नहीं दिख रहे मेरे को, 7 मीटर पर एनिमी जैसा दिख रहा है। एमो नहीं बची, लूट ले इसको। ये पता नहीं प्लेबल कहूँ या कैसी कहूँ इसको, कभी कभार ऐसा लग रहा है कि प्लेबल है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, एकदम प्लेबल नहीं लगती है। इतना टाइम लगा दिया और कुछ नहीं मिला इसको।
रहने में। अभी पता चला है कि ये बैठे बैठे कैसे भागेगा, काफी देर से परेशान था मैं। एनालॉग को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर गेम क्रैश हो गई। ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन होने के साथ हो रहा है। सो आज इस वीडियो में इतना ही टेस्ट करेंगे। इसमें मेन दिक्कत यही है, हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन रखोगे तो गेम क्रैश हो सकती है, एंड हाई परफॉर्मेंस मोड ऑफ रखोगे तो फिर ये प्लेबल नहीं है, बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है। फिलहाल भी ये एकदम 100% प्लेबल नहीं थी, पर लैग करके चल रही थी कुछ लोकेशन पर, कुछ लोकेशन पर ये प्लेबल जैसी है। आज इस वीडियो में इतना ही टेस्ट करेंगे। विचर 3 को मैंने ट्राई करके देखा था, पर ये गेम क्रैश होती है। इसके लिए आप कमेंट ना करें, काफ़ी बड़ी गेम है और इसके साथ एमुलेटर फिलहाल सपोर्टेड नहीं है। फ्यूचर में होगा तो इस गेम को भी हम ट्राई करेंगे।